हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि फयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पर चल रहा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर बात कर रहे थे, ठीक है ना? तो चलिए चलिए तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखा था यहाँ पर, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या बोला था, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया में आपके पास कुछ अभिकारक होते हैं, कुछ हमारे पास उत्पाद होते हैं, ठीक है ना? तो अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहता है। या अगर द्रव्यमान में ना ही बढ़ोतरी हो रही है ना ही किसी प्रकार की कमी आ रही है, इसका मतलब क्या है कि द्रव्य ना ही उत्पन्न हो रहा है और ना ही आपका नष्ट, ठीक है? तो दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य ना ही उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। तो द्रव्य का मतलब क्या है यहाँ पर? पदार्थ से। ये एंटोनियन लेवोजियर के द्वारा दिया गया था 1789 में। अकॉर्डिंग टू दिस इट इज स्टेट दैट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। और आप क्या कहते हैं यहाँ पर कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर है, बराबर होता है, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आपका ना तो द्रव्य उत्पन्न हो रहा है और ना ही नष्ट हो रहा है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी इसे कहा जाता है, या स्थिर अनुपात का नियम हम इसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम बोलते हैं कि जब भी कोई यौगिक की फॉर्मेशन हो रही है, किसी भी केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है और उसको किसी भी सोर्स से या किसी भी मेथड से बनाया जा रहा है, किसी भी सोर्स से प्राप्त किया जा रहा है, यानी कि किसी भी विधि से बना रहे हैं या फिर किसी भी स्रोतों से प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट का जो वेट होता है वो एक आपका निश्चित अनुपात में आपका जुड़ करके एक यौगिक बनता है। क्या समझे क्या बोला मैंने? कोई भी जो रासायनिक यौगिक है वो उसमें जितने भी आपके तत्व होंगे वो भार के एक निश्चित अनुपात में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और जिसके बाद आपका यौगिक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना? जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल किसका लिया था, H2O का लिया था, ठीक है, H2, ठीक है। वाटर की बात करते हैं, देखो क्या है आपके पास, दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा आपका ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के दो परमाणु, अगर हम इसका मास लेते हैं, द्रव्यमान लेते हैं, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा यहाँ, 2 × 1। 2 क्यों? क्योंकि दो एटम है, 1 हम इसका लेते हैं, ठीक है। और इसका रेशियो देखेंगे हम ऑक्सीजन के साथ, हमने बोला ना दोनों तत्वों, दोनों या जितने भी तत्व वहां पर हैं वो तत्वों के भार का अनुपात हमको देखें, ठीक है ना? तो यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करेंगे, एक ही परमाणु है और उसके लिए 16 16 उसका एटॉमिक मास होता है, तो 2 × 16, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे 1:8 का रेशियो आएगा। तो ये जो H2O है, वाटर जो है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात 1:8 होगा, चाहे वो वाटर को आपने किसी भी मेथड से प्राप्त किया हो, किसी भी सोर्स से आपने वाटर लिया है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो आपका भार का अनुपात है वो निश्चित रहेगा, 1:8 ही रहेगा, क्लियर है? तो इस प्रकार से हम वाटर की बात करते हैं। यानी अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो अगर हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है और हमें जल बनाना है, तो हम 8 ग्राम, अगर हमें पूरी 1 ग्राम हाइड्रोजन को यूज करना है तो उसके साथ 8 ग्राम हम ऑक्सीजन मिलाएंगे तब जल बने। या अगर आपके पास सपोज ऑक्सीजन कम है, 4 ही ग्राम है आपके पास सपोज ऑक्सीजन, तब क्या होगा, तब 1 ग्राम कंबाइन नहीं होगा कंप्लीटली, बल्कि उसका भी आपका 0.5 ग्राम कंबाइन होगा 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हमें वो रेशियो मेंटेन करके रखना है 1:8। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये रासायनिक अभिक्रियाएं स्वतः करती हैं, या जो यौगिक बनते हैं वो स्वतः इसी रूप में जुड़ करके आपका यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना? एक और एग्जाम्पल हमने बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन है आपके पास, कार्बन का मास आपका 12, ठीक है, ऑक्सीजन का 2 × 16,
3:8 का रेशियो यहाँ पर आएगा, यानी कि 3 ग्राम कार्बन जो है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ करके आपका क्या बना रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बना रही होगी। ये बेसिक एग्जाम्पल, यानी अनुपात होना चाहिए था, ठीक है, इस अनुपात में वो कंबाइन हो। ओके चलिए, तो इस प्रकार से हमने स्थिर अनुपात के नियम को समझा। ओके नोट करेंगे आप लोग, दिस लॉ वॉज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। दिस लॉ स्टेट्स दैट अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। एग्जाम्पल, CO2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाई नंबर ऑफ मैथड्स बट ऑलवेज 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और हमको क्या बोलना है कि ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए 3:8 का। यह नियम फ्रांसीसी रसायनज्ञ जोसेफ प्राउस द्वारा दिया गया। यह नियम बताता है कि कोई भी रासायनिक यौगिक हमेशा भार के अनुसार निश्चित अनुपात में एक साथ मिलकर समान तत्वों से बना पाया जाता है, ठीक है ना। तो क्या आप लिख सकते हैं, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान या निश्चित होता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है इसको समझिए। डॉल्टन के द्वारा ये 1803 में दिया गया था। दिस लॉ वॉज प्रपोज बाय डॉल्टन इन 1803। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड। पहली लाइन को ही समझ लीजिए, उसी लाइन में आपको आधी से ज्यादा चीजें क्लियर हो। वेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू केमिकल कंपाउंड, जब दो एलिमेंट यानी दो तत्व आपस में जुड़ करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते, ठीक है। दो कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए, जब वो आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके आपका दो से अधिक एलिमेंट बनाएंगे, ठीक है ना, दो से अधिक कंपाउंड बनाएंगे, दो या दो से अधिक, ठीक है। हम ले लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये दोनों जुड़ करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों जुड़ करके आपका दो यौगिक बनाते हैं। एक बनाते हैं H2O वाटर और एक लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ठीक है। दो यौगिक बना रहे हैं, पहली चीज। आगे क्या बोल रहा है आपका लॉ, देन वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंड विद अ फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। क्या कहा गया, देन वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, एक तत्व का जो भार है यहां पर, ठीक है, दो तत्व है ना आपके पास, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, दोनों सिंपली कंबाइन होकर के दो यहां पर कंपाउंड बना रहे हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो दो आपके कंपाउंड क्या, एक H2O2 है वाटर और एक H2O, एक H2O है वाटर और एक आपका H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। अब वहां पर क्या बोल रहे हैं, एक तत्व का जो भार है वो दूसरे तत्व के निश्चित भार से जो जुड़ रहा है, ठीक है। क्या कहा गया, देन वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, एक तत्व का भार विच कंबाइंस विद अ फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर, जो कि दूसरे के फिक्स्ड वेट से जुड़ रहा है, बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। क्या समझे, H2O और H2O2 आपके पास दो एलिमेंट, ठीक है ना, दो एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे आपके दो कंपाउंड बने H2O और H2O, जिसमें आपके दो एलिमेंट है। देखो एलिमेंट और कंपाउंड तो क्लियर है ना, तत्व और यौगिक क्या हो, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके एलिमेंट है यानी कि तत्व,
इन तत्वों से मिल करके आपके यौगिक बन रहे हैं। एक जल है और एक हाइड्रोजन परऑक्साइड है। अभी पहली लाइन तो यही बोल रहा है कि दो तत्व मिल करके दो यौगिक बना रहे हैं। इन यौगिकों में क्या हो रहा है कि एक तत्व के भार का जो अनुपात होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा, और कब? जब वो दूसरे तत्व के निश्चित भार से आपका मिल रहा हो, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन ले लेंगे हम और ऑक्सीजन लेंगे। हाइड्रोजन कहाँ? H2O में और H2O2, ठीक है। ऑक्सीजन आपका H2O में और H2O2। देखिए हाइड्रोजन H2 में इसका कितना है द्रव्यमान? आपका 2 है, 2 × 1 यानी 2 है। यहाँ भी द्रव्यमान कितना हो जाएगा, या वेट भार जो भी कह रहे हैं, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 16, और यहाँ O2 16 × 2 32। तो क्या कहा गया, एक तत्व जिसका निश्चित भार है, हाइड्रोजन का दोनों जगह निश्चित भार है, इससे जो दूसरा तत्व जुड़ रहा है, ऑक्सीजन इससे जुड़ रहा है ना, इसके भार का जो अनुपात होगा वो सिंपल होल नंबर होगा, ठीक है। एक साधारण पूर्ण संख्या होगी। तो 16 और 32 का निकाल लीजिए, 1:2 का रेशियो है, तो सिंपल होल नंबर रेशियो है, सिंपल नंबर है और होल नंबर है आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है आपका, गुणित अनुपात का नियम। क्या कहा गया, वेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, ठीक है ना। वेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड, जब दो एलिमेंट जुड़ करके दो यौगिक बना रहे हैं, देन वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंस विद फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। क्या कहा गया, जो आपका यहां पर दो एलिमेंट्स है ना, इनमें से एक के निश्चित भार से जो दूसरा तत्व जुड़ रहा है, ये निश्चित भार वाला तत्व है, इससे जो ये दूसरा तत्व जुड़ रहा है, दोनों यौगिकों में इसके भार का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा, सिंपल होल नंबर में होगा। तो 1803 में डॉल्टन द्वारा यह प्रस्तावित किया गया, जब दो तत्व मिलकर दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक बनाते हैं, तो उनमें से एक तत्व का भार जो दूसरे के निश्चित भार के साथ जुड़ता है, एक साधारण पूर्ण संख्या अनुपात रखता है एक दूसरे से। तो यहाँ पे भार वजन के स्थान पे आप भार भी लिख सकते हैं। इसमें गुणित अनुपातों का, इसे गुणित अनुपातों का नियम कहा जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन के निश्चित द्रव्यमान 12 के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 16:32 होता है, यानी कि एक अनुपात दो का यहाँ पर अनुपात आया। हमने हाइड्रोजन वाला एग्जाम्पल लिया, कार्बन का भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है, ठीक है ना। कार्बन में क्या होगा, एक जगह CO है और एक जगह CO2 है। तो अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो ये तो फिक्स्ड वाला एलिमेंट हो गया। दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ 16 है और यहाँ 32 है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो कितना आएगा, 1:2, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट है आपका गे लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है ना। गैसों के लिए, गैसों के आयतन संबंधी एक नियम दिया गया गे लुसाक के द्वारा, ठीक है ना। दिस लॉ वॉज गिवन बाय गे लुसाक इन 1808, 1808 में गे लुसाक के द्वारा ये नियम प्रतिपादित किया गया या प्रस्तुत किया गया। ही ऑब्जर्व, इन्होंने क्या देखा, दैट वेन गैसेस कम्बाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। समान तापमान और समान ताप और समान दाब पर आपका कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जब गैसें आपका बन रही हैं, तो वहां पर वो एक किसमें रहती हैं, सरल अनुपात के रूप में रहती हैं। बस यही आपका क्या है, गे लुसाक का लॉ। जहां पर उन्होंने उदाहरण दिया कि वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म टू वॉल्यूम्स ऑफ HCl गैस। चलिए, तो या तो गैसें संयोजित हो रही हैं या फिर बन रही हैं। उसमें एग्जांपल दिया गया हाइड्रोजन का एक
वॉल्यूम, एक आयतन हाइड्रोजन एक आयतन क्लोरीन से जुड़ करके आपका 2 वॉल्यूम ऑफ HCl प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन आपका, हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन से जुड़ता है और क्या बनाता है, H2O बनाता है। तो हाइड्रोजन क्या है, गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस, और H2O जल वाष्प के रूप में, वाटर वेपर के रूप में प्रोड्यूस हो रहा है। 100 ml सपोज ये है और 50 ml ये है, और क्या बन रहा है, 100 ml ये बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात कैसा है, सरल अनुपात। ठीक, आयतन का अनुपात सरल अनुपात है ना, 2:1 का अनुपात आएगा। आयतन का अनुपात, ओके। तो सिंपल सी बात है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब गैसें संयोजित होती हैं या फिर उत्पन्न होती हैं, या तो आपका कंबाइन हो रही है गैस या फिर बन रही है, तो वे आयतन के अनुसार एक सरल अनुपात में ऐसा करती हैं, यानी कि जुड़ती हैं, बशर्ते सभी गैसें समान तापमान और दबाव पर हों, यानी कि टेम्परेचर और जो आपका प्रेशर है वो सेम हो सभी गैसेस के लिए। ओके, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन की एक मात्रा, एक आयतन जो है उसका, क्लोरीन की एक मात्रा हमेशा मिलकर HCl गैस की 2 मात्रा बनाती है। ठीक है ना, यानी H2+Cl2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HCl। ठीक है, तो ये एक है, ये भी एक है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा गया, 1:1, और यहाँ 2 मोल आपका क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। आयतन में आप इसको व्यक्त करेंगे, आयतन के रूप में आप इसे बता सकते हैं। चलिए, ये गैलियम आर्सेनाइड का हो गया। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, एवोगैड्रो लॉ। ये एवोगैड्रो के द्वारा दिया गया था 1811। एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या कहा गया, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, कोई भी जो गैसें हैं उनका समान आयतन जो होगा, जो समान तापमान और समान प्रेशर पर आपका रखा गया होगा, शुड कंटेन इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, उनमें जो अणुओं की संख्या होगी वो भी समान होगी। यानी आपने 2 गैसें ले ली, उन दोनों का आयतन समान ले लिया, आपने हाइड्रोजन ले ली, ऑक्सीजन ले ली, 2 आपने गैसें ले ली, दोनों का आपने आयतन भी समान ले और दोनों को आपने समान तापमान और समान दाब पर भी रख लिया। अब जो इनमें अणुओं की संख्या होगी वो भी समान होगी। ओके, तो 1811 में एवोगाड्रो ने प्रस्तुत किया या प्रस्ताव दिया कि समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों की समान मात्रा में समान संख्या में अणु होने चाहिए या होते हैं। ओके, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में हमने, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने 5 नियम पढ़े। पहला आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, जो कि कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, देखो टोटल रासायनिक अभिक्रियाओं की बात हो रही है, जहां पर यौगिक है उन यौगिकों की बात। ओके, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के बाद ही आपका यौगिक की फॉर्मेशन हो रही है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है वो उत्पादों के द्रव्यमान के कुल बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्य बन रहा है और ना ही वो नष्ट हो रहा है। ठीक है ना, देन लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन यानी स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, कि किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो सदैव ही निश्चित होता है। ओके, देन हमने यहाँ पर गुणित अनुपात का नियम पढ़ा, जो कहता है कि जब 2 तत्व मिलकर के 2 या 2 से अधिक यौगिक बना रहे हैं आपका, तो उनमें एक तत्व का जो निश्चित भार है उससे जुड़ने वाला जो दूसरा तत्व है उसके भार का अनुपात एक सिंपल होल नंबर रेशियो के रूप में होगा। ठीक है, देन आपने गैलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम पढ़ा, जिसमें कहा गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर गैसें कंबाइन हो रही हैं या फिर एक गैस बन रही है, तो गैसों के का जो आयतन होगा वो आपका सरल अनुपात के रूप में होगा आयतन उनका, और ये बशर्ते कि जो गैसें हैं वो समान ताप और समान दाब पर हो। और लास्ट हमने पढ़ा एवोगैड्रो का नियम, जिसमें कहा गया कि समान ताप और समान दाब पर रखी गई समान आयतन की गैसों में अणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पर केमिकल कॉम्बिनेशन के जो आपके लॉज है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है तो इनको आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, पढ़ लेंगे। बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।